पहले आपको बताते हैं कि क्या बंद है, यानी वो सुविधाएं जिनको बंद कर दिया गया है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति में बंद क्या है, देखिए जिम बंद है, इसके अलावा आपको बताएं ऑडिटोरियम बंद है, जिम ऑडिटोरियम ये वो जगहें हैं जहां से ज्यादा तेजी से फैल सकता है कोरोना। स्कूल ये बंद किया गया है, इसके अलावा कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो स्कूल कॉलेज जिम ऑडिटोरियम कोचिंग सेंटर ये तमाम चीज़ें बंद की गई हैं। धर्म स्थल बंद कर दिए गए हैं यानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी को बंद कर दिया गया है। पार्क बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग घर से बाहर निकलकर पार्क में ना जाएं। व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं, इसके अलावा मॉल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में जो लॉकडाउन है उसमें ये तमाम सुविधाएं हैं जिन्हें बंद किया गया है। लेकिन आइए इसके बाद आपको बताते हैं कि क्या वो सुविधाएं हैं जो खुली हुई हैं। किराना की दुकान खुली हुई है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको जरूरी सामान मिल सके। मिल्क बूथ खुले रहेंगे यानी आपके घर के आसपास इलाके में जो मिल्क बूथ है वो खुले रहेंगे। अस्पताल जाहिर सी बात है खुले रहेंगे, इसके अलावा दवा की दुकानें खुली रहेंगी। ये तमाम सुविधाएं हैं जो जरूरी सुविधाएं हैं और इनको जारी रखा जाएगा। सब्जी की दुकान खुली रहेगी, किराना की दुकान मैंने आपको पहले ही बताया खुली रहेगी। आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी यानी इमरजेंसी सर्विसेज खुली रहेंगी। मिल्क बूथ खुला रहेगा, ये तो जरूरी सामान जहां से आपको मिलता है और जरूरी जो सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी। मीडिया हाउस भी खुले रहेंगे। हमारे साथ उमेश सहगल जी मौजूद हैं। उमेश सहगल जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कदम कुछ देर से उठाया गया है, क्या इससे पहले उठा लेना चाहिए था? पॉजिटिविटी रेट जहां तक अब पहुंच चुका है डबल डिजिट में, उससे पहले यह कदम क्या उठा लेना चाहिए था? मेरे मुताबिक तो अब भी उठाना इस कदम को गलत है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हम कुछ कर रहे हैं। बेसिकली दो काम करने हैं इस समय, आपको वैक्सीनेशन बढ़ानी है और दूसरा आपको अस्पताल और जो आइसोलेशन सेंटर हैं वो बढ़ानी है। अब इन दोनों को आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो दिखाने के लिए आपने सारा कुछ बंद कर दिया। बंद करने से देखिए महाराष्ट्र में इतने हफ्ते बंद रहा, इतने महीना भर बंद रहा, क्या बढ़ केस तो बढ़ गए हैं ना, केस थोड़ी रुक जाएंगे इस तरह आप एक सारी एक्टिविटीज़ बंद कर देंगे तो जी। तो कम से कम अब ये अच्छी चीज़ है कि कुछ दुकानें खुली रहेंगी, मगर लोगों की रोजी रोटी बंद करके आपने आगे बढ़ा दी ना बीमारी। बीमारी की सोल्यूशन तो है कि अस्पताल बढ़ाइए, बेड्स बढ़ाइए, वेंटिलेटर्स बढ़ाइए। लेकिन अब आपने दो तीन हफ्ते पहले चलते थे बंद कर दिए, जितनी तेजी से ये फैल चुका है और जितनी बड़ी जनसंख्या में ये फैल चुका है, चेन को ब्रेक करने के लिए क्या ये जरूरी नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया में तमाम ऐसे मुल्क हैं जिनकी हमसे कहीं ज्यादा जो मेडिकल सुविधाएं हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन उन्हें भी लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि चेन तोड़ने का तो इससे इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। क्या आपको ये नहीं लगता? नहीं, लॉकडाउन नहीं लगाया गया। लंदन में उन्होंने कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जो दिल्ली भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था। कंटेनमेंट जोन को स्ट्रेंथन किया जाए, जहाँ ज़्यादातर बीमारियाँ हैं वहाँ किया जाए। पॉइंट ये है कि जब बीमारी एकदम बढ़ गई है, ये एंटिसिपेटेड नहीं था, मैं मानता हूँ। पहले तीन एक महीना पहले नहीं कह सकते थे कि हम एकदम इतने केसेज बढ़ जाएंगे, 30% पॉजिटिव निकलेंगे। पहले 3-4% पॉजिटिविटी रेट आता था पिछले साल, तो इतना पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाएगा ये कोई सोच नहीं सकता था। तो अब बढ़ गया है, तो अब आपको इमरजेंसी में, अब जैसे आप ऑक्सीजन के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ऑक्सीजन आपका आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, मगर बेड्स भी तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, साथ में बेड्स भी बढ़ाइए। अब आपका जो DRDO वाला खुल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं था लॉकडाउन? क्या बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है? फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।